फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ मेरी बड़ी मम्मी के घर और मैंने झाड़ू पोछा सारा घर का काम कंप्लीट कर दिया, इनके टिफ़िन बना दिया और अभी टिफ़िन लेके जाऊंगी। ड्राइवर टिफ़िन पहुंचा देगा, ऑफिस में पहुंचा देगा। और सोरू की आज थी पिकनिक थी तो वो आज गया हुआ है, मैं इसीलिए जा रही हूँ, वरना तो फिर वो दोपहर में आता तो मुझे टेंशन रहती थी कि वो चिकू आएगा क्या, सोरू आएगा दोपहर में तो फिर मैं कैसे करूँ। तो आज उसकी छुट्टी होती है तो भी टेंशन रहती है कि दोनों बात लड़ते हैं, दोनों को साथ में लेके जाना पड़ता है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मम्मी बात करें, मम्मी प्लीज मम्मी। तो अभी सोरू शाम को 6 बजे आएगा, तब तक मैं वापस आ जाऊँगी और मेरे साथ मेरे बाईसा भी जा रहे हैं, बाईसा और अन्नू दोनों जा रहे हैं। तो हम लोग कितने टाइम से सोच रहे हैं कि हमें जाना है जाना है, फाइनली आज हमारा वो क्या कहते हैं मुहूर्त निकला है कि आज हम फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि उनको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। भाभी जी है वो प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट मंथ ही चल रहा है अभी, तो वो आ नहीं सकते, इसलिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे। टिफिन और सब ले लिया है और अभी जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ बाईसा की तरफ, बाईसा के घर के आगे जो रोड निकलती है वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से वहाँ पर पहुँचते ही बाईसा आ जाएंगे और वहीं से आगे निकलेंगे हम। पहुँच गए मेरी बड़ी मम्मी के घर और ये बाईसा मेरे साथ है। और आपको कैसा लगा अहमदाबाद आके? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आसपास है कोई फ्रेंड लोग बने? बने ना, बातें करते हैं, पता नहीं पड़ता क्या बोलती है। बड़ी मम्मी आ गए पर घर घर में रहते हैं, पर नीचे जाते हैं घूमने पर इनको समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे सब गुजराती बोलते हैं, हिंदी और राजस्थानी बोलने वाले कम लोग हैं। एक दो भी नहीं, राजस्थानी कोई भी नहीं है। अभी घूमने गए नहीं है, अक्षरधाम गए थे घूमने, अक्षरधाम यहाँ आने के बाद एक अक्षरधाम ही गए और कहीं नहीं गए। पहले निक्की की पैंट खुल गई, निक्की ऐसे क्या कर रही है? निक्की दीदी कौन है? निक्की पिक्की नहीं, निक्की दीदी कहाँ आया तू आज? मामा के घर? किसके घर आया? अशोक मामा के घर। बोल के मामा के घर कैसे बोल? मामा घर। निक्की कौन है ये? कौन है ये? निक्की, ये चिक्कू। बोल मेरे बुआ आई है घर पे। बोल कौन आई हूँ? निक्की बता कौन हूँ मैं? निक्की बता मैं कौन हूँ? वो कौन हूँ बता? ये नहीं बोले बाल कटा दिया तो यार, एक साल हुए बाल बदना ही नहीं आवे। मैं इनका घर देख रही हूँ और घर की बालकनी में आई हूँ बाहर की तरफ, और इनके घर के जस्ट पीछे देखो खेत है, मतलब बहुत ठंडी हवा आ रही है और मतलब अच्छा सीन लग रहा है। मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा कि हम शहर में अहमदाबाद में रह रहे हैं, गांव जैसा ही फील हो रहा है क्योंकि चारों तरफ खुला खुला पड़ा है और यहाँ पे खेत है, यहाँ पे पालक वालक लगा हुआ दिख रहा है और भाभी जी है वो भी रोटियाँ बना रहे हैं। हम लोग कभी खाना खाते हैं तो बाद में खाएंगी, बड़ी मम्मी के खाना खाना बाकी है तो उनके लिए बना रहे हैं। तो ये है भाभी जी, इनके 9th मंथ अभी चल रहा है, 9th ही चल रहा है, 8th चल रहा है। हाँ, 8th तो मैंने कब का ही सुना कि 8th चल रहा है। तो इनके अभी 8th चल रहा है, दिसंबर में 9th मतलब होने वाले की डेट पक्की दी है, 10 जनवरी की दी है, तो अभी टाइम है। और भैया वगैरह वो सब ऑफिस गए हुए हैं तो हम लोग इनसे ही मिल के वापस जाएंगे, वो तो नाइट में लेट आते हैं ऑफिस से। मुझे तो सबसे अच्छी जगह यही लगी यहाँ की, जो आराम से खुली हवा आ रही है बस। तो बाईसा और बड़ी मम्मी बैठे हैं बातें कर रहे हैं और चिक्कू को निक्की मिल गई तो उसके साथ खेल रहा आराम से। हाँ नीति शाम तक जाए, एकदम चेहरा उनके खराब ही हो रहा, प्रेगनेंसी अक्सर हो जाया करे कोई रे, कोई नहीं, फर्स्ट डिलीवरी नहीं वे सेकंड टाइम में तो अक्सर हो जावे, चेंज बॉडी भी बहुत चेंज हो जावे। क्या ऐड करोगे इसके अंदर? लाल मिर्च पाउडर और अच्छे भी है ना। हाँ पाउडर, अच्छा तीनों को मिक्स करके फिर चटनी बनाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स भाभी जी बना रहे स्पेशल चटनी और ये बड़ी मम्मी लेके आया काचरियाँ होती है वो पीस के, जो काचर का मैंने वो बताया था एक बार वीडियो बनाया था अमचूर, ये वही वाले काचर होते हैं जिनको पीस के मिक्सी में पीस के पाउडर बनाया हुआ है। और इसमें पहले हमने लहसुन कूट लिया, अब
नमक टेस्ट। तो फ्रेंड्स भाभी जी चटनी बना रहे हैं लहसुन और काचरी की चटनी, जिसमें हमने पहले सबसे पहले लहसुन कूट लिया और फिर काचरी पाउडर है जो काचरी का पाउडर जो वो बनाया हुआ वो ले लिया और उसमें हमने लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक डाल दिया। और अब इसमें थोड़ा सा मतलब खटाई के लिए हमने वो काचरी का अमचूर भी लिया, फिर भी हम इसमें थोड़ा दही डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मेरी फेवरेट है, अच्छा बोती ना बताई ना बोती ना बना रहा अच्छा। ये बाजी जो बाजी रोटी सब अच्छी लग रही है आज, बाजी रोटी सुना हाँ। थोड़ा नमक है तो चम्मच चम्मच वीडियो में देखिए जिनके चम्मच बात नहीं तो कि सरसों के ऑयल जब हम यूज करते हैं तो जैसे हम लोग खाते नहीं तो हमें स्मेल आते, तो ये बोले कि मैं ऑयल को फिल्टर कर देती हूँ तो फिर इसमें स्मेल नहीं आएगी। थोड़ा सा नमक लिया और इसमें पानी डाला है और ये ऑयल गर्म हो रखा है ना, गर्म ऑयल में ये डाल देंगे, ये फिल्टर हो जाएगा, अब इसमें स्मेल नहीं रहेगी सरसों के ऑयल की। और अब इसमें डाल देंगे जीरा, ये जो अभी पूरा मिला के रखा था दही और मसाला चटनी का वो ऑयल में डाल के पका देंगे। कलर बहुत अच्छा दिख रहा है चटनी का और इसके साथ बनाएंगे बाजरे की रोटी। इसमें हरा धनिया नहीं आता, हम लोग इसमें हरा धनिया भी कूट के डाल देते हैं साथ में, हरा धनिया भी है अच्छा। अब इसको 5 मिनट पका लेंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा और पूरा अच्छे से ऑयल छोड़ देगा तो ऑयल दिखने लग जाएगा ऊपर। अब आमने सामने वाला सब दिखे नहीं, ये देखो आमने सामने फ्लैट है तो सामने वाले बच्चे अपर चिकू डरा रहा है, सबको मार रहा है, चिकू अंदर आ जा, दीदी है ना दोनों खेल रहे हैं और बड़ी मम्मी आलू कटिंग कर रहे हैं, अभी आलू की सब्जी बनाएंगे। चिकू अब शाम आज शाम, हाँ चिकू चिकू पहले अनुमा से या अब शाम, अरे धीरे लग जाएगी निकू को भी गोली मारती हूँ, बिशां निकू बेहोश हो जा, चिकू क्या कर रहा है, सब्जी बना, सब्जी हाँ सब्जी बना, अरे भाई साहब बुला रहे थे तुझे, तो फ्रेंड्स देखो चटनी रेडी हो गई है और ऑयल ऑयल दिखने लग गया पूरे में, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ये देखो। तो अब बनाते हैं रोटी फिर खाते हैं खाना, बंद गैस बंद कर दो।
लाते हैं ना, तो मिक्स आइटम है। आज मार परिवार आए बड़े पूरे भाई, आज मार परिवार आ गया पूरे ही। तो फ्रेंड्स देखो, नमकीन है, दही है और आलू की सब्जी और चटनी स्पेशल है, और ये गुड़ और बाजरे की रोटी है। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खाए को नहीं पड़े थे, ये अभी थोड़े टाइम पहले शिफ्ट हुआ, तो कह रहे मेरा घर बिखरा हुआ लग रहा है, पर मेरे चलता हमारे भी अभी भी ऐसे ही चल रहा है। और ये भाभी जी है, अन्नू है, हम लोग खाना खा रहे हैं। और भाईसा अकेले खाना खाते हैं, वो किसी के साथ नहीं खाते, तो वो बाहर बैठ के खा रहे हैं। और बड़ी मम्मी आज रोटी बना रहे हैं, वो बोलो मैं कितने लॉन्ग टाइम बाद में किचन में घुसी हूँ, क्योंकि अक्सर भाभी जी करते हैं उधर गांव में, दूसरे भाभी जी वो करते हैं, तो वो बहुत कम किचन में काम करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग खाना खाते हैं, तो आज तो मैं बाजरे की रोटी बहुत लंबे टाइम से खा रही हूँ, ससुराल में थी तब खाई थी, यहाँ आने के बाद नहीं खाई। आज मेरी स्पेशल बोल के बनवाए कि इन्होंने पूछा बाजरे का आटा पड़ा है, बाजरे की रोटी बना दूँ, मैंने कहा ठीक है बाजरे की रोटी बनवाओ। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा रहे हैं, आप भी आइए खाना खाइए हमारे साथ। लोग अपने घर, गाड़ी आ गई है, बड़ी मम्मी और भाभी जी हमें नीचे पहुंचाने जा रहे हैं, और भाई साहब बोले पालक खरीद के जाएंगे, यहाँ पे पीछे खेत में पालक लगा हुआ है, तो बोलते हैं इस टाइम वो लेडीज या जो बेचने आती है उससे मिल लेते हैं, फ्रेश ताज़ा मिलेगा, तो अभी पता नहीं वो लेंगे नहीं लेंगे। तो ये अंकल हमें पालक तोड़ के दे रहे हैं, हमने चार गुच्छी पालक मांगा इनसे। बड़ी मम्मी बोल रहे हैं हम लोग रोज़ इन्हीं से मांग के लेते हैं, यहाँ से खरीद लेते हैं इनसे सब्जी। मस्त दिख रहे हो, ये पालक ही कम कितो सारो बायो तो मस्त बाड़ा गपा तो एड़ा हमारे सामने जाओ ने दिला बेटा हां थारे कांटा लगनो कितने चार गुच्छी मंगा दो भाई सर दो मार गड़ी धाना दो मंगा दो एक मंगा धाना दो मंगा दो 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 फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और इतनी थकान लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि दिन में सोने की आदत भी है, उस वजह से भी होगा। और आज सुबह 6 बजे उठी थी, शौर्य को पिकनिक भेजना था, इसलिए वो 7 बजे तो घर से निकल गया था, तो उसको रेडी वगैरह किया, नहलाया धुलाया के, तो फिर 6 बजे उठी, और उठने के बाद कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी चिक्कू को रास्ते में नींद आ गई, तो चिक्कू को सुला दिया, और चिक्कू के पापा अभी आने वाले हैं, पहले कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, वही कपड़े वगैरह लाती हूँ अंदर फैलाए हुए बाहर,
और सर में दर्द भी है, कोई चाय बना के पिला दे, ऐसा लग रहा कोई चाय बना के पिला दे, पर अब पिलाने वाला कोई नहीं है, खुद बनाऊंगी खुद ही पीऊंगी। भाई साहब को बोला था आप रुक जाओ तो कोई कंपनी देता है ना साथ में चाय पीने के लिए तो अच्छा लगता, पर भाई साहब जल्दी में थे तो वो रुके नहीं, तो फिर अब मेरे को चाय बनानी है, चाय पीऊंगी, पहले कपड़े चेंज करती हूँ फिर चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ तब तक चीकू के पापा आ जाते हैं, फिर दूसरा काम करती हूँ। सर में सच्ची में दर्द हो रहा है बहुत, और देखती हूँ क्या क्या होता है, तब तक सोरू भी आ जाएगा, तो काम पे कुछ कुछ काम है वो कर लेती हूँ, चीकू सोया हुआ, बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।